नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पूछ रही हैं कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए गई क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर सवाल उठाया। कांग्रेस भी बाकायदा तथ्यों के साथ पूरी अदालती कार्रवाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर, जो राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया था, पूरी अदालती कार्रवाई को राहुल गांधी के भाषण के साथ जोड़कर देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों कि इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी क्या सवाल कर रही है, मगर आज का यह शो क्यों अहम है मैं आपको बताता हूं। ना कोई ताकत ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। आज मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ पुराने बयान सुनाने वाला हूं आलोचना को लेकर। आज वही बयान भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा चरित्र को लेकर उसका पर्दाफाश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के तहत जिस तरह की सियासत बीजेपी कर रही है उसका पर्दाफाश कर रही है। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने प्रियंका गांधी कह क्या रही हैं कि मेरे भाई को यह कीमत इसलिए चुकानी पड़ रही है क्योंकि उन्होंने अडानी पर सवाल उठाया था, क्योंकि यह सरकार, इसके मंत्री, इसके नेता, उनकी मां, उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पिता नेहरू पर तो अब शब्द बोलते ही रहते हैं। सुनिए प्रियंका क्या कह रही हैं। भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माताजी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश है। उनके खिलाफ किसी जज ने किसी दो साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया? अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ। क्योंकि जिस केस का स्टे कंप्लेनर ने खुद मांगा था, एक साल से स्टे था, अडानी ने जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उसको केस के अंदर कर दिया। दोस्तों यही नहीं, कांग्रेस के मीडिया स्ट्रैटेजी के प्रमुख जयराम रमेश ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तथ्यों के साथ मुद्दे रखे हैं और यह जोड़कर देखा है कि राहुल गांधी ने जो भाषण संसद में दिया था और अब लोकसभा की जो उनकी सदस्यता खारिज हो गई, इन दोनों के बीच में घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से होते रहे। घटनाक्रम की ऐसी श्रृंखला है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जयराम रमेश उस श्रृंखला को सामने रख रहे हैं और मैं चाहूंगा इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी जरूर दे। सुनिए, कंप्लेंट के बारे में स्टे लगाई थी, गुजरात हाईकोर्ट से स्टे मांगी थी, गुजरात हाईकोर्ट ने स्टे दिया, पर राहुल गांधी जी के अडानी के भाषण 9 दिन बाद उन्होंने वो स्टे वापस ले ली। 9 दिन बाद, 16 फरवरी को, 27 फरवरी को, क्रोनोलॉजी समझिए, 27 फरवरी को, यानी कि राहुल गांधी जी के भाषण के 20 दिन बाद सुनवाई शुरू होती है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सुनवाई शुरू होती है। 17 मार्च को जजमेंट रिजर्व होता है और 23 मार्च को जजमेंट आता है। क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी के जो भाषण थे, जो उन्होंने अडानी पर भाषण दिया था, उसे करीब 18 जगह से लोकसभा में एक्सपंज कर दिया गया, नोच दिया गया, जबकि राहुल गांधी ने जो भी बातें कही थी वो तमाम बातें सार्वजनिक पटल पर मौजूद थे, बावजूद उसके उनके भाषण को 18 जगह से नोचा गया।
यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है हमारे लोकतंत्र के लिए। मगर आज सवाल सिर्फ यह नहीं कि क्या राहुल गांधी कीमत इस बात की चुका रहे हैं क्योंकि उन्होंने अडानी पर बयान दिया था। आज मुद्दा यह भी है कि आलोचना को लेकर यह सरकार भारतीय जनता पार्टी इतनी छुई मुई क्यों है। मैं आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंदन में दिए गए 3 बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों, और ये 3 बयान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश कर रही हैं। आलोचना को लेकर ये सरकार कितनी छुई मुई है, कितनी सेंसिटिव है, वो प्रधानमंत्री के ये 3 भाषण, ये 3 बयान साबित कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि भाई आलोचना से तो इंसान बेहतर होता है, मैं आलोचना को स्वीकार करता हूं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है जी। और मैं मानता हूं, और ये मेरा कन्विक्शन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तप करके डेमोक्रेसी पनपती है, और सरकारों को भी और शासन में बैठे हुए लोगों को भी वो सतर्क रखती है। और इसलिए अगर कोई आलोचना करता है, इसको मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं, मैं उसे बुरा नहीं मानता। आज ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा कि क्या वाकई प्रधानमंत्री के इस पुराने बयान पर विश्वास किया जा सकता है। कायदे से तो यह सवाल मुझे पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त सदन में मौजूद भी नहीं थे जब अडानी को लेकर राहुल गांधी कुछ सवाल पूछ रहे थे। प्रधानमंत्री नदारद थे, और जब प्रधानमंत्री के जवाब देने की बारी आई तब उनके मुंह से अडानी शब्द निकला भी नहीं। प्रधानमंत्री, आलोचना को सकारात्मक ढंग से लेना तो बहुत दूर की बात। राहुल गांधी ने अडानी पर क्या कहा और आज उनके साथ क्या हो रहा है, ये तो तथ्य हैं, ये सबके सामने हैं। आपको सामने आकर प्रियंका गांधी वाड्रा के इन आरोपों का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने जो आपके सामने क्रोनोलॉजी रखी उसका जवाब देना चाहिए। और आज से कुछ साल पहले आप ये कह रहे थे कि लोगों का मुंह बंद करना आपका काम नहीं, बाकी हास्यास्पद बात लगती है। अब वो सुनिए आपने क्या कहा था लंदन में। अगर मैं सुनना ही बंद कर दूंगा तो फिर तो मेरी गलतियां कभी ठीक नहीं होगी, न मेरे देश का भला होगा। और इसलिए मैं हमेशा क्रिटिसिज्म को का स्वागत करता हूं, लेकिन मेरे पर आरोप ये है कि मोदी जी इतना क्रिटिसिज्म होता आप बोलते क्यों नहीं है। अरे भाई, आपके क्रिटिसिज्म को मैं इतना महत्व देता हूं कि मैं उसको समझने की कोशिश करता हूं, इससे मैं सुधरने की कोशिश करता हूं। आपका मुंह बंद करना मेरा काम नहीं है, ये तो गलत रास्ता है। आप जो बोल रहे हैं मेरे लिए वो मूल्यवान चीज है, आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है। आप जानते हैं जब लंदन में बात कही जा रही थी तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री वहां पर NRIs से घिरे हुए थे, वो लोगों से घिरे हुए थे जो लंदन में बस गए थे भारत को छोड़ के। उनका इंटरव्यू उनका एक चाटुकार कर रहा था जिसका नाम प्रसून जोशी है। यहां वही प्रसून जोशी जिन्होंने रंग दे बसंती की स्क्रिप्ट, उसके खूबसूरत गाने लिखे, तारे जमीन के गाने लिखे, भाग मिल्खा भाग की स्क्रिप्ट लिखी, आज वो व्यक्ति सत्ता का चाटुकार हो गया है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री उस मंच पर मौजूद थे और उस मंच पर भी कहीं ना कहीं उनके जहन में बात चल रही थी कि जो सब चल रहा है ये सब स्टेज मैनेज्ड है, इसलिए उनके मुंह से उस वक्त वो बात निकल गई थी जो मैं चाहूंगा आप लोग जरूर सुने। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मुझे और आपको दोनों को लगता होगा यार बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई कहेगा यार मोदी जी बंद करे तो अच्छा कहता है, कोई कोई ये भी कह सकता है कि देखो यार ये मोदी जी ने आज पता नहीं जवाब नहीं दे पाते हैं कहीं पर,
तो जाकर के उन्होंने स्टेज मैनेज शो कर लिया अपना कर रहे हैं, उसमें से भी मैं कोशिश करूंगा। या आज के मेरे जो जवाब मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई उसमें से निकालेगा तो मैं जरूर सोचूंगा, हाँ यार ये शब्द मेरे से मुंह से न निकला होता तो अच्छा होता, मैं सोचूंगा। और मैं आज जहां पहुंचा हूं ना साहब, मुझे बहुत लोगों ने बनाया है, बहुत लोगों ने मुझे थपथपा थपा करके कहा मोदी ये नहीं करो ये करो, ये करो नहीं ये करो, ऐसा करते करते मुझे लाया है। तो ये सब उन्होंने जो मेहनत की है उसको मैं मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते हैं कि आलोचना क्या होती है और चाटुकारिता क्या होती है। तो ऐसे में मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री उस वक्त और आज के वक्त में क्या फर्क रह गया बताइए। उस वक्त तो आपने लंदन की जमीन पर जाकर कहा था कि मैं आलोचना सुनना चाहता हूं, ये तमाम बातें आपने कही थी, मगर आलोचना को लेकर आपके क्या तेवर है हम तो सब जानते हैं ना। जो आपकी आलोचना करता है उसके सामने एजेंसीज खड़ी हो जाती हैं, उन्हें फर्जी केसेस में जेल भेज दिया जाता है, कुछ लोग तो जेल में ही मर जाते हैं जैसे स्टैन स्वामी। ऐसी मैं आपको ढेरों मिसाल दे सकता हूं कि आलोचना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चमड़ी कितनी पतली है, आप लोग कितने छुई मुई हैं। राहुल गांधी विपक्ष के एक नेता हैं, लिहाजा उनका काम है सत्ता की आलोचना करना, मगर आप आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि आपका जो तंत्र है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता मसलन रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि उन्होंने मोदी समुदाय को गाली दी थी, अब आप उसे ओबीसी का मुद्दा बना रहे हैं। जेपी नड्डा का यह बयान देखिए, अब इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा क्योंकि कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, वहां 50% से ज्यादा ओबीसी समुदाय के हैं। अब जो मोदी पर उन्होंने बयान दिया था उसे आप ओबीसी के अपमान के साथ जोड़ के देख रहे हैं, जबकि राहुल गांधी का वो बयान सबने सुना है। राहुल गांधी उसमें उन मोदियों की बात कर रहे थे जो भ्रष्ट हैं, वो आपकी आलोचना कर रहे थे मोदी जी। तो ऐसे में ये ओबीसी समुदाय का अपमान कहां हो सकता है। यही नहीं, अगर आप उस पूरे भाषण को सुने तो राहुल गांधी उस पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमला बोल रहे थे। उसका मकसद यह नहीं था कि जो मोदी समुदाय से जुड़े लोग हैं या जिनका सरनेम मोदी है, या फिर जैसा कि आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई तेली समुदाय का अपमान है, तो राहुल गांधी वहां तो सिर्फ उन लोगों पर हमला बोल रहे थे जो इस देश को छोड़ के चले गए, जिनके सरनेम्स मोदी हैं, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो। मगर आप जानते, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की तो इनको इतनी जल्दी थी। आपके स्क्रीन पर यह हैं गुजरात के कैबिनेट के मंत्री रहे बाबू बोखरिया, 2013 की घटना बताता हूं। खनिज चोरी मामले में इन्हें सजा मिली थी, मगर आप जानते हैं इन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा नहीं दिया, उन्हें मंत्री पद से भी नहीं हटाया गया, वो अपने पद पर बने रहे। यही नहीं, वो अदालत गए और उनकी सजा पर भी रोक लग गई। ये तमाम चीजें प्रमाणित कर रही हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो सामान्य नहीं थी। उसको लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, कई कानून के जानकार सवाल उठा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं इन तमाम मुद्दों का समाधान जो है, जब ऊपरी अदालत में कांग्रेस जाएगी तो वो समाधान सामने उभर कर आएगा। मगर हां, यह बात प्रमाणित हो जाती है कि आलोचना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चमड़ी कितनी पतली है। 56 इंच का सीना नहीं है ये 5.6 इंच का सीना है, और आलोचना आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।